पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डीएच लॉरेंस के बारे में। आज हम लोग डीएच लॉरेंस से आगे बढ़ेंगे और आज स्पेशली पढ़ेंगे पोएट लॉरिएट के बारे में। और पोएट लॉरिएट के साथ साथ उससे पहले हम कुछ मॉडर्न राइटर बच रहे थे, जैसे कि जेम्स जॉयस साहब बच रहे थे। तो जेम्स जॉयस साहब के बारे में यदि जाना जाए तो जेम्स जॉयस का जन्म 1882 में हुई थी और डेथ जो है 1941 ईस्वी में हुई थी। इस फेमस वर्क्स इनकी फेमस वर्क्स है अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, और बहुत ज्यादा ही फेमस वर्क है। यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज एन यंग मैन। 1916 का ये वर्क है, 1916 का ये वर्क है। कब का? 1916 का ये वर्क है, आपको याद रखना है। 1916 में लिखी गई थी। नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहां पर आपका है स्टीफन करा हीरो, 1944 का वर्क है। एग्जाइल जो है इनके द्वारा लिखा गया वर्क है, एग्जाइल 1918 ईस्वी में इन्होंने एग्जाइल लिखा। एंड देन आफ्टर एग्जाइल के बाद की यदि बात की जाए तो एग्जाइल के बाद जो है इनका वर्क आता है उसका नाम है यूलेसिस, 1922 मोक हेरोइक नोवेल है और ये बहुत फेमस वर्क है इनका यूलेसिस। उसके बाद था फिनेगन्स वेक, फिनेगन्स वेक 1939 में आता है और ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इनके यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना है। ये इसमें कुछ वर्क के बारे में डिटेल चर्चा मैं करूंगा, जैसे पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन 1916 का डिस्कशन मैं बहुत डिटेल में करूंगा, यूलेसिस का डिस्कशन करूंगा और फिनेगन्स वेक का मैं डिस्कशन करूंगा, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है, यूजीसी नेट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं फेमस पोएट्स के बारे में, फेमस नॉवलिस्ट के बारे में, फेमस ड्रामाटिस्ट के बारे में, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इनके वर्क्स को भी, जितने पहले अभी दिखाया है आपको। आज चौथा लेक्चर है और मैंने ऑलमोस्ट जो इंपोर्टेंट पोएट और राइटर थे उनको डिस्कस किया है, उनके बारे में डिस्कस किया। अब उनके पार्टिकुलर जो है वर्क्स का डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। इसके बाद आपको बता दें वन ऑफ द इंपोर्टेंट जो है इनमें से एक वर्जीनिया वुल्फ है, जो वन ऑफ द इंपोर्टेंट पोएटेस मानी जाती हैं और इनका अपना एक अलग स्वैग ही है। सी वॉज द मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इनमें से कौन ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर थे और कौन नहीं थे, तो याद रखना है वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर थी। एंड करा है इसके जगह यहां हर लिख देंगे, हर फेमस वर्क्स आर द बॉयज आउट 1915 ईस्वी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद उन्होंने लिखा था द बॉयज आउट। उसके बाद था नाइट एंड डे 1919, जैकॉब्स रूम 1922, मिस्टर डॉलोवे ये इंपॉर्टेंट वर्क है 1925, टू द लाइट हाउस 1927, द वेव 1931, ऑरलैंडो और बायोग्राफी था 1928 में। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऑरलैंडो विच इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ इज अ डैश, तो ऑरलैंडो एक बायोग्राफी थी। उसके बाद इन्होंने कई एसेज लिखा जिसमें लिखी जिसमें द कॉमन रीडर एक इंपोर्टेंट था और उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट था ये और रूम्स ऑफ वंस ऑन, ये महिलाओं के बारे में 1929 में लिखा गया और कहा गया कि यदि कोई महिला लिखना चाहती है, राइटर बनना चाहती है, तो महिलाओं का अपना एक अपना पर्टिकुलर जगह होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। और इस वर्क में उन्होंने इसी बात का डिस्कशन किया, इसका फेमस लाइन भी था कि अ वुमेन शुड हैव अ वंस ऑन रूम, अपना पर्टिकुलर रूम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ऐसे की बात की जाए तो वर्जीनिया वुल्फ का ये सबसे फेमस ऐसे है जहां से यूजीसी नेट में और पीजीटी इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आ सकता है। द मोमेंट 1947 में इन्होंने लिखा
और मोमेंट भी इनका फेमस वर्क रहा, लेकिन सबसे ऐसे जो है फेमस ऐसे इनका रहा था और रूम ऑफ वंस ऑन। एडवर्ड मॉर्गन इसके बाद आता है, ईएम फॉस्टर जिसका नाम आप जानते हैं, इसको आप शॉर्ट में जानते हैं ईएम फॉस्टर, फॉस्टर है ना, ईएम फॉस्टर को ही हम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर कहते हैं। 1879 में जन्म होता है, 1970 में इनकी डेथ होती है। इनकी फेमस वर्क जो है 1905 का है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और यही वाला स्टेटमेंट को उठा लेते हैं अगस्टन एज पे। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि बेवकूफ लोग वहां जाना चाहते हैं जहां परी एंजल लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो इनका ये फेमस वर्क रहा है, आपको याद रखना है इनका फेमस वर्क है जो 1905 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1905 ईस्वी में। सोनू यादव जी हाय, आज नेटवर्क की थोड़ा सा ज्यादा हालत खराब है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है आप लोग को भी, है ना। तो ईएम फॉस्टर का जन्म 1879 में होता है, इनका फेमस वर्क था वेयर एंजल फियर टू ट्रेड 1905, द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907 और रूम विथ अ व्यू 1908, हावर्ड्स एंड 1910 ये फेमस वर्क था उनका, और पैसेज टू इंडिया 1924 ये भी फेमस वर्क था, टू एथर्स फॉर डेमोक्रेसी, टू अदर्स करापोर डेमोक्रेसी 1951, द स्टोरी ऑफ द साइरन 1920 ये इनकी फेमस वर्क था। पीजीटी का क्लास अभी चल रहा है, 10 क्लासेस हो गए हैं। टीएस एलियट का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुई और मृत्यु 1965। टीएस एलियट मॉडर्न क्रिटिक भी थे, मॉडर्न पोएट भी थे और ही गॉट नोबेल प्राइज 1948। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इन्हें 1948 में नोबेल प्राइज मिला था जबकि 1948 ईस्वी में डब्ल्यू एच ऑर्डन को पुलित्जर प्राइज मिला था। इस बार का स्टेट पीजीटी में क्वेश्चन भी पूछा था। ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड भी मिला था 1948 ईस्वी में। ही वाज द डायरेक्टर ऑफ फेवर एंड फेवर पब्लिकेशन के डायरेक्टर थे। उनका फेमस वर्क था द बेस्ट लैंड, इनका मॉडर्न वर्क था बेस्ट लैंड 1922 ईस्वी में, जिसमें 5 पार्ट था, 5 चैप्टर थे। पहला था बरियल ऑफ डेड, दूसरा था गेम ऑफ चेस, तीसरा था फायर सरमन, चौथा था डेथ बाय वाटर और पांचवा था व्हाट द थंडर सेड। ये सेड नहीं है, ये सेड है व्हाट द थंडर सेड, थंड का तूफान क्या कहती है। तो ये जो है इनका वर्क रहा, कहां से वर्क रहा है, तो ये वर्क जो है आपको अपने आप में इंपोर्टेंट है टीएस एलियट का। इसके अलावा इनका एक पोएम है लव सॉन्ग ऑफ जे एल प्रूफ, जे एल प्रूफ रॉक, 1915 में इन्होंने एक लिखा लव सॉन्ग ऑफ जेएल प्रूफ रॉक, लव सॉन्ग उन्होंने लिखा जेएल प्रूफ रॉक के लिए 1915 में। उसके बाद इनकी कई प्लेज रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हिज प्लेज द रॉक इनका आया था 1934 में, मर्डर इन द कैथेड्रल आया था 1935 ईस्वी में, याद रखना ये इंपोर्टेंट वर्क है, द फैमिली रियूनियन 1939, कॉकटेल पार्टी 1949, कॉन्फिडेंशियल करक 1953। इनके सबसे फेमस एसेज की बात करें तो ऐसे था सिलेक्टेड एसेज 1917-1932, इसी में वो एसे लिखे थे, चाहे वो आप क्रिटिसिज्म पेपर में पढ़ेंगे, द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा। उसके बाद एलिजाबेथन एसे उन्होंने लिखा था 1934 ईस्वी में 32 के बाद। ये सारी चीज हम लोग एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बारी आती है डब्ल्यू एच ऑर्डन की, आपने देखा भी होगा इस बार क्वेश्चन पूछा था डब्ल्यू एच ऑर्डन से। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म 1907 में हुई, 1973 में डेथ हुई, और डब्ल्यू एच ऑर्डन जो थे बहुत ज्यादा जीएम हॉपकिन
और टीएस एलियट से बहुत प्रभावित थे। उनका वर्क था नंस 1951, लुक स्ट्रेंजर 1936, द एज ऑफ एंजाइटी 1948 एंड द लीव्स आर फॉलोइंग, ये जो है गलत लिख दिया है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो 12th के सिलेबस में भी पढ़ना है, फॉलिंग फास्ट ये एज ऑफ एंजाइटी का ही पार्ट है। और हम आपको बता दें उनके बाद आज इनका द अननोन सिटीजन में इनका वर्क था, और यही 1948 ईस्वी में इनको इसी वर्क के समय, इस वर्क के लिए नहीं मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था। और इस बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया था, एस्टेट का जो एग्जाम आपने दिया होगा इस बार, तो बिहार एस्टेट में एक क्वेश्चन पूछा था कि 1948 में पुलित्जर प्राइज किसको मिला था, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन को मिला था एज ऑफ एंजाइटी के लिए। और पूछ दे कि 1948 में नोबेल प्राइज किसको मिला था, तो अभी अभी हमने बताया है कि टीएस एलियट को जो है 1948 में नोबेल प्राइज मिला, जबकि डब्ल्यू एच ऑर्डन को 1948 में क्या मिला था, पुलित्जर प्राइज मिला था। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में वो जो है टीएस एलियट लगा दिए थे। अब उसके बाद जो आता है बारी, वो है आपका पोएट लॉरिएट की बारी आती है। किसकी बारी आती है, पोएट लॉरिएट की बारी आती है कि कौन कब के पोएट लॉरिएट थे। तो पोएट लॉरिएट क्या होते थे भाई, इंग्लैंड में पोएट लॉरिएट का क्या मतलब था, तो उन दिनों स्पेशल जो लोग पोएट लॉरिएट होते थे उन्हें अलग से जो है पेंशन की भी सुविधा थी। सोनू जी, रिजल्ट तो आज ही का दिन दिया गया था कि आज रिजल्ट आ जाना चाहिए था, रिजल्ट 28 को ही देना चाहिए था, लेकिन अब सरकार भी और बोर्ड भी दोनों का क्या मर्जी है वो राम जाने। बोर्ड को भी चाहिए, अब देखिए क्या करेगा ये, फिर से जैसे एस्टेट ने गेम खेला है उसी तरह फिर गेम हो जाएगा। एस्टेट क्या किया, 10 दिन में कहा मेरा एग्जाम दीजिए और लेवल अपना बना के रखा टफ, और फिर ये क्या करेगा, बस मौका देगा एक महीना, 15 तारीख को आपका 15 अक्टूबर को फॉर्म गिराएगा और दिसंबर में 3 से 5 दिसंबर के बीच एग्जाम इसको लेना है। तो बहादुरी इसी में है कि आप अभी से पहले से तैयार रहे पढ़ के। भाई पता है कि सिलेबस जारी करेगा वो, लेकिन एक सेक्शन है कि मानना है कि आएगा ही आएगा, वो सेक्शन ग्रामर का है, वो आप पहले से कंप्लीट रखिए एस्टेट में। जो पीजीटी फेज टू है एस्टेट का, रिजल्ट के बाद की बात जो है बीपीएससी फेज टू के लिए, आप अपनी तैयारी आप जो है लगे रहिए, ऐसा नहीं कि बस सिलेबस के इंतजार में पड़े रहे। तो सबसे पहली बार जो है पोएट लॉरिएट बनाए गए थे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1668 से 1689 ईस्वी तक फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे जॉन ड्राइडन, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। जॉन ड्राइडन को पोएट लॉरिएट बनाया जाता है प्रथम बार। ये क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, जिसी नेट में भी क्वेश्चन आएगा, पीजीटी में भी आता है, तो आज से याद रखना है सबसे पहले जो पोएट लॉरिएट थे उनका नाम था जॉन ड्राइडन, दूसरा जो पोएट लॉरिएट थे उनका नाम था 1688 से 1692 तक रहे थे, उनका नाम थॉमस सैडवेल था। थॉमस सैडवेल को बनाया गया, जॉन ड्राइडन का आपने एक पढ़ा होगा मैक फ्लैकनो नाम का मोक हेरोइक पोएम, जिस पे वो मजाक उड़ाए हैं, किस पे कमेंट है, वो सैडवेल को ही बेवकूफ पोएट के रूप में दिखाया गया है। ड्राइडन नहीं चाहते थे कि उनके बाद सैडवेल को पोएट लॉरिएट बनाया जाए, लेकिन उनके बाद तुरंत बाद जो है सैडवेल को पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। सैडवेल और ड्राइडन दोनों में 36 की आंकड़ा थी, साहित्यिक भी और रिलीजियस भी, दोनों का एक ओल्ड प्रोटेस्टेंट से थे तो एक क्रिश्चियन ही थे, लेकिन दोनों के अपनी अपनी रिलीजियस अवधारणा भी था और पोएटिकल और आलोचनात्मक भी रूप से एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए ड्राइडन ने इनके ऊपर एक प्ले, एक मोक इपिक मोक हीरोइक पोएम लिखा था जिसका नाम था मैक फ्लैकनो, मैक फ्लैकनो। ये जो आप है ये एक मोक इपिक पोएम है,
और इसमें कमेंट किया गया, आलोचना किया गया है सैडवेल के ऊपर कि सैडवेल बेवकूफ पोएट था। लेकिन सैडवेल जो था वो दूसरा पोएट लॉरिएट था, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि तीसरा पोएट लॉरिएट कौन थे, तो 1692 ईस्वी में बनाया गया था 1715 तक नाहुम टैटे को। तो इस श्रेणी में इन तीनों का नाम बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है क्रोनोलॉजी पूछ दिया जाता है, फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, तो आपको यहां याद रखना है। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, तो नाहुम टैटे जो थे वो तीसरे पोएट लॉरिएट थे। प्रथम पोएट लॉरिएट कौन थे, ड्राइडन। दूसरे पोएट लॉरिएट थे थॉमस सैडवेल। थॉमस सैडवेल के बारे में कैसी अवधारणा थी ड्राइडन का, नेगेटिव अवधारणा, आलोचनात्मक अवधारणा थी, इसलिए इन्होंने इनके ही ऊपर क्वेश्चन आता है मैक फ्लेकनो इज अ कमेंट ऑन हूम, तो मैक फ्लेकनो एक मोक कमेंट था, मजाकिया कमेंट था, सेटायर था, तो ये सेटायर किसके ऊपर था, तो ड्राइडन के द्वारा ये लिखा गया था और ये सेटायर था सैडवेल के ऊपर। टैटे के बाद आते हैं निकोलस रॉवी, इनको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, 1715 से 1718 में। उसके बाद लॉरेंस इश्डेन आते हैं 1718 से 1730 में, इन्हें भी बहुत रटना नहीं है। 1730 से 1757 में कोली साइवर आते हैं पोएट लॉरिएट बनके। उसके बाद आते हैं 1757 से 1785 में विलियम व्हाइटहेड, इनको याद रखना है। अच्छा, विलियम व्हाइटहेड को क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो उपाधि दी गई थी, ये जो ऑफर दिया गया था, एक्चुअली में ये ऑफर दिया गया था पता है किसको, ये ऑफर दिया गया था थॉमस ग्रे को। थॉमस ग्रे जो है इन्हें ये ऑफर मिला था कि आप जो है पोएट लॉरिएट बन जाएं, आप क्या बन जाएं, पोएट लॉरिएट बन जाएं। लेकिन ये थॉमस ग्रे ने इसे रिफ्यूज कर दिया, कहा नहीं हमें नहीं बनना है। तो थॉमस ग्रे जब रिफ्यूज कर दिए तब विलियम व्हाइट हेड को बनाया गया था। तो ऊपर के तीन इंपोर्टेंट था, 1757 से 1885 विलियम व्हाइट हेड क्यों पूछा जाता है यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो यहां पर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहां याद रखना है एक प्रॉपर गाइडलाइन और एक प्रॉपर तैयारी खोजता है ऋषि बाबू। तो विलियम व्हाइटहेड क्यों क्वेश्चन आता है नेट जीआरएफ में, ये क्यों है, एक तो सबसे पहला वाला ये तीन का सीरीज याद रखना है। विलियम व्हाइटहेड इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन आता है आफ्टर रिफ्यूजल ऑफ ग्रे, थॉमस ग्रे के रिफ्यूजल के बाद हु बिकेम एट द प्लेस ऑफ ग्रे द पोएट लॉरिएट, तो याद रखना है व्हाइटहेड जो है विलियम व्हाइट हेड को जो है बनाया गया था किसके रिफ्यूजल पर, थॉमस ग्रे के रिफ्यूजल पर, इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो है विलियम व्हाइट हेड फेमस है और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आती है। उसके बाद 1785 से 1790 में थॉमस वार्टन रहे थे, कौन रहे थे, थॉमस वार्टन रहे थे। उसके बाद 1790 से 1813 तक हेनरी जेम्स पाए रहे थे। अब यहां क्यों नहीं रटना है ये भी बता देते हैं। अब यहां पर आपको रटना याद रखना है 1813 से 1843 इसलिए याद रखना है क्योंकि इनके जस्ट बाद रॉबर्ट साउदी के जस्ट बाद बनाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 ईस्वी में पोएट लॉरिएट। क्वेश्चन आता है कि पोएट लॉरिएट 1843 से 1850 तक कौन थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और विलियम वर्ड्सवर्थ के जस्ट पहले कौन थे या किसके बाद बनाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ, तो याद रखना विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रॉबर्ट साउदी के बाद बनाए गए थे। अब रॉबर्ट साउदी का क्यों क्वेश्चन आता है, क्योंकि रॉबर्ट साउदी को जो बनाया गया था ये भी इनको डायरेक्टली नहीं मिला था, ये एक्चुअली वाल्टर स्कॉट को ये मिला था पहली बार अपॉर्चुनिटी कि आप जो है पोएट लॉरिएट बन जाइए, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इसलिए साउदी से भी क्वेश्चन खूब आता है।
रॉबर्ट सऊदी 1813 से 1843 तक कुवैत लॉरिएट रहे। अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आती है तो यहां पर क्यों क्वेश्चन आता है, यहां ध्यान रखना है कि रॉबर्ट सऊदी जो थे वो लेक पोएट थे, लेक पोएट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्लैक पोएट थे, एसटी कॉलरीज भी लेक पोएट थे। ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, रोमांटिक पोएट भी थे। ये तीनों रोमांटिक लगातार रहे, लेकिन सऊदी के बारे में जब पूछ देगी, सऊदी जो थे वो किसके जगह पर आए थे, तो वाल्टर स्कॉट। वाल्टर स्कॉट को जब मौका दिया गया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मुझे पोएट लॉरिएट नहीं बनना है। तो याद रखना है रॉबर्ट सऊदी को बनाया गया था वाल्टर स्कॉट के रिफ्यूजल पर, और यह वीवीआई है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार लगाया। तो पहला एक दो तीन, उसके बाद आपको विलियम व्हाइटहेड, विलियम व्हाइटहेड बने थे थॉमस ग्रे के रिफ्यूज करने पर, एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम में। उसके बाद रॉबर्ट सऊदी, रॉबर्ट सऊदी को बनाया गया था पोएट लॉरिएट 1813 से 1843, अच्छा खासा पीरियड रहा। आप देख सकते हैं यहां पर 30 साल का पीरियड था, और वो बने थे वाल्टर स्कॉट के क्या पर, रिफ्यूजल पर। वो प्रपोजल जो मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था किसको, रॉबर्ट सऊदी को मिला था, लेकिन सऊदी ने उसे एक्सेप्ट किया। वो प्रपोजल मिला था वाल्टर स्कॉट को, वाल्टर स्कॉट को रिफ्यूजल देने पर किसने अपनाया था, तो रॉबर्ट सऊदी ने। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है सबसे इंपोर्टेंट, 1843 से लेकर 1850 ईस्वी तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे। इनका डेट भी याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कब से कब तक। वेरी गुड इवनिंग काजल, क्वेश्चन आता है कब से कब तक जो है विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट रहे थे, तो आपको बता दें कि 1843 से 1950 ईस्वी तक पोएट लॉरिएट के रूप में कौन रहे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ रहे थे। कौन रहे थे, विलियम वर्ड्सवर्थ रहे थे। अब एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट होता है कि वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद, इनके तुरंत पहले कौन था, रॉबर्ट सऊदी। इनके तुरंत पहले कौन था, याद रखना रॉबर्ट सऊदी। इनके पहले रॉबर्ट सऊदी था 1813 से 1843 तक, और इनके बाद जो है रॉबर्ट सऊदी के बाद बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ के तुरंत बाद यदि आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है टेनिसन। कौन थे, टेनिसन, लॉर्ड टेनिसन, जो कि क्या थे, किस एज के थे, विक्टोरियन एरा के थे। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन आता है विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद किसे बनाया गया था, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को बनाया गया था 1850 से लेके 1992 तक। और टेनिसन को डायरेक्ट नहीं मिला था प्रपोजल, ऑन द रिफ्यूजल ऑफ सैमुअल रोगर। अब याद रखना है टेनिसन को भी बनाया गया था एक व्यक्ति के रिफ्यूजल पर। यह ऑफर दिया गया था किसको, ऑफर दिया गया था सैमुअल रोगर को। आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि टू हुज रिफ्यूजल, किसके रिफ्यूजल पर टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया गया। टेनिसन से पहले ये प्रपोजल किसको दिया गया था, तो ये प्रपोजल टेनिसन से पहले दी गई थी एक्चुअली में सैमुअल रॉगर्स को, लेकिन सैमुअल रॉगर ने उसे ठुकरा दिया और इसलिए टेनिसन को बनाया गया। तो आपको यहां याद रखना है टेनिसन को, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ के जस्ट बाद है, और सैमुअल रॉगर्स के प्रपोजल ठुकराने पर इन्होंने अपना एक्सेप्ट किया था, और 1850 से 1992 तक रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का जरूर याद रखना 1843 से 1850, क्योंकि वो पोएट लॉरिएट के रूप में उनकी डेथ हो जाती है 1950 ईस्वी में। उसके बाद 1896 से 1913 ईस्वी तक की बात करें तो अल्फ्रेड ऑस्टीन रहे थे, यहां पर बहुत रटने की जरूरत नहीं है। 1913 से 1930 तक रॉबर्ट ब्रिज हैं। 1930 से 1967 जो है जॉन मैसफील्ड है। उसके बाद 1968 से 1972 सेसिल डे लेविस हैं। 1972 से अभी 84 तक थे सर जॉन बैडजेमन, एंड 1984 से 1998 टेड हग्स थे। ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेड हग्स, आपको ऐसे भी नेट जेआरएफ के लिए उनके बारे में पढ़ना है, उनके वर्क्स को भी पढ़ना है। 1999 से 2009 तक थे एंड्रयू मोशन। कौन थे, एंड्रयू मोशन थे। और सबसे बात है 2009 से लेके 2019 तक थे कैरोल एंडी डफी।
कैरोल कैरोल एनी डफी क्यों याद रखना है, क्योंकि पहली बार किसी महिला को बनाया गया था 2009 ईस्वी में। कब? 2019 तक जो है एक महिला पहली बार मनाई गई थी, महिला पोएट लॉरिएट, उसका नाम था कैरोल एनी डफी। तो ये आपका इंपोर्टेंट हो सकता है, हु वाज द विमेन पोएट लॉरिएट। अभी तक आपने जितना लिस्ट में देखा सबके सब मेल थे, लेकिन लेकिन आपको याद रखना है एक महिला थी जिसका नाम था कैरोल एनी डफी, जो 2009 से 2019 तक रहे। और अभी का पूछ दे यदि करंट में, तो आपको याद रखना है करंट में 2019 से अभी तक जो है वो है साइमन आर्मिटेज। साइमन आर्मिटेज जो है अभी वर्तमान समय में पोएट लॉरिएट है इंग्लैंड के। अब याद रखना है वर्तमान पूछ दे कि पोएट लॉरिएट कौन है, तो याद रखना है साइमन साइमन आर्मिटेज जो है अभी के वर्तमान पोएट लॉरिएट है। साधना वेरी गुड इवनिंग। देखो काजल करना क्या है, हमने अभी बताया कि 20 से ऊपर बताया, लेकिन हमने क्या कहा पहले कौन थे, ड्राइडन। आप अपने कॉपी में एटलीस्ट वो तीन को लिखेंगे, ड्राइडन, ड्राइडन का एज कब से कब तक, ड्राइडन के जस्ट बाद का एक सीरीज बनाएंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे पोएट लॉरिएट, और एक पोएट लॉरिएट का सीरीज बन जाएगा। पोएट लॉरिएट कौन कौन जो थे, तो फेमस जहां से क्वेश्चन आता है, तो हमने आपसे शेयर करा ना कि पहला आप लिख लीजिएगा कि भाई चलो ठीक है ड्राइडन, तो ड्राइडन पहला पोएट लॉरिएट थे 1668 से 1689। ड्राइडन के बाद बने थॉमस सैडवेल, और थॉमस सैडवेल के बने नाउम टैटे, ये तीन बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद सीधे लिख देंगे 3, 4, 5, 6, 7वां, फिर लिख देंगे 7th, है ना, 1, 2, 3 के बाद 7th आपका इंपोर्टेंट है। तो 7th में आप क्या लिख देंगे, 7th में लिखेंगे विलियम व्हाइट हेड एट प्लेस ऑफ थॉमस ग्रे। विलियम व्हाइट हेड 1757 से 1750 तक थे, किसके जगह पर, थॉमस ग्रेन के जगह पर, क्योंकि उन्होंने ठुकरा दिया था कि हमको नहीं बनना है। उसके बाद थॉमस वाटन हेनरी जेम्स को छोड़ देना है, 1813 पे आ जाना है, और 1813 का रॉबर्ट साउदी लिखना है, 1813 से 1843 क्यों लिखना है, क्योंकि 43 में ही जो है आगे चलकर विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया था। और क्यों लिखना है, क्योंकि साउदी भी और विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों लैक पोएट थे, लैक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और क्यों लिखना है, क्योंकि ये बने थे किसके जगह पर, वाल्टर, सर वाल्टर स्कॉट के जगह पर ये बने थे, तो वाल्टर स्कॉट के जगह पर बने थे, इसलिए साउदी को याद रखना है। तो 3 यहां और 2 यहां, 5 यहां और एक विलियम वर्ड्सवर्थ टेनिसन, 5 और 2 7, और एक लास्ट में महिला, कि भाई महिला पोएट लॉरिएट कौन थी, तो कैरोल एनी डफी, कैरोल एनी डफी महिला पोएट लॉरिएट थी 8, और वर्तमान में साइमन आर्मिटेज है बस 9। तो वर्तमान वाला रेयर केस में पूछता है, ये 7 जो है आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक नंबर की बात है। तो एग्जाम से चूंकि प्रोफेसर बनना है आपको, यूजीसी नेट की तैयारी करना है, तो थोड़ा सा पढ़ाई तो करना ही होगा। देखिए होता क्या है, यदि आप पढ़े रहेंगे ना, पढ़ा हुआ रहता है तो आपको इजिली याद रहता है, जब ऑप्शन मिलेगा तो याद आ जाएगा, कम से कम एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा। और जो कभी पढ़ा ही नहीं, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम ही नहीं सुने कैरोल एनी डफी का, अब उसमें जो ऐसा ऐसा नाम रहेगा, क्योंकि सब तो इंग्लैंड विदेशी नाम रहेगा, कहेगा हु वाज द विमेन या फीमेल, फीमेल यूज नहीं करता, विमेन यूज करता है, विमेन पोएट लॉरिएट, तो कह देगा कि भाई फीमेल पोएट लॉरिएट या विमेन पोएट लॉरिएट कौन है अमंग फॉलोइंग। तो आज तक के इतिहास में एक ही को महिला बनी है पोएट लॉरिएट, और उनका नाम था कैरोल एनी डफी। अब इस स्थिति में इस नाम को पता ही नहीं रहेगा जो आज तक सुना नहीं है, तो दिक्कत तो होगा, लेकिन आपको ऐसे भी सुना हुआ रहेगा तो याद आएगा कि सर का एनी का लर्निंग ऐप है, सर की बेटी का नाम एनी है, और एनी तो ध्यान रखना है कैरोल एनी डफी, यही पहली पोएट महिला पोएट जो है लॉरिएट बनी थी। एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, सेंस के आधार पर भी हो जाता है कि अब पूरे इतिहास में एक ही बार महिला पोएट लॉरिएट बनी है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि पोएट लॉरिएट से उठाएगा तब, नहीं उठाता तो कोई बात नहीं, लेकिन उठाएगा तो यही आप याद रखिए क्वेश्चन कैसे उठाएगा, हु वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट, हु वाज द सेकंड पोएट लॉरिएट, फर्स्ट पोएट लॉरिएट का क्या रहा था पीरियड, सेकंड में कौन था, थर्ड में कौन था। उसके बाद क्वेश्चन बना सकता है कि भाई विलियम सर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट के प्लेस पर किसको बनाया गया था। उसके बाद पूछ सकता है
विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले कौन था, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोएट लॉरिएट बने। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका यदि घुमा फिरा के पूछेगा और यदि यह लिस्ट आप याद कर लिए तो मात्र 17-18 लोगों का नाम याद यदि नहीं कर पा रहे हैं तो 8 तो याद कर ही सकते हैं ना, कम से कम जो इंपोर्टेंट है उसको तो आपको याद करना होगा, जो इंपोर्टेंट है उसको आप याद कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एटलीस्ट जो इंपोर्टेंट है उसको तो याद करना ही होगा, ये आपकी मजबूरी समझे या जरूरत समझे, लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही होगा ना। दूसरी बात है कि अब कह रहे हैं कि कैसे याद होगा, भाई मॉक टेस्ट ला रहे हैं, मॉक टेस्ट ला रहे हैं आप लोगों के लिए भी। कई कॉल आ गए कि सर हम नेट जेरेब वालों के लिए भी कोई मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है पूरे यूट्यूब पे, तो आपके लिए मॉक टेस्ट ला रहे हैं हम अक्टूबर 10 अक्टूबर से। तो मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर आपका रिवाइज होगा कि हाँ फर्स्ट पोएट लॉरिएट ड्राइडन थे, याद होगा कि 1843 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को बनाया गया था, याद रहेगा कि 1850 में टेनिसन को बनाया गया था। तो क्वेश्चन यहां पर जब टेस्ट मारेंगे ना तो अपने आप याद आएगा किसके बाद किसको पोएट लॉरिएट बनाया गया था। और एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में पोएट लॉरिएट से रहता ही रहता है, आमतौर पे अमूमन विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता कि पोएट लॉरिएट होता कौन है और कब किसके साथ बनाया गया था, कौन किसका पीरियड रहा था, क्या पीरियड। तो आपको केवल 8 आदमी को नाम याद रखना है, मैं फिर से 8 आदमी को रिकॉल कर देता हूं इसमें। पहला ड्राइडन का, दूसरा सैडवेल, तीसरा टैटे, चौथा नंबर पे विलियम व्हाइटहेड है इसलिए क्योंकि ये थॉमस ग्रे के जगह पर आए थे 1757 से 1885। उसके बाद चौथा के बाद पांचवा आपको याद रखना है रॉबर्ट साउदी को, क्योंकि ये लैक पोएट थे किसके तरह, विलियम वर्ड्सवर्थ के तरह, और वर्ड्सवर्थ से ये पहले बने थे पोएट लॉरिएट 1843। इन्हीं के तुरंत बाद जो है कौन बने थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इंपोर्टेंट भी है। तो सातवां, पांच छह सातवां ये हो गए, आठवां आपके टेनिसन हो गए, नौवां में आप जो है कैरोल एनी डफी को याद रखेंगे। तो इस तरह से जो है सीरीज में कॉपी में यदि आप लिख लेते हैं तो आपको याद रह जाएगा। छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स तो तैयार करना होगा ना कि हाँ हमें प्रॉपर में फोकस करना है, क्योंकि 2025 में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी एक अच्छी खासी बहाली आने वाली और उसके लिए एलिजिबिलिटी मांगा है यूजीसी नेट। बस नेट जेआरएफ आपका है, आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो जो लोग एमए है और एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगा देंगे तो यहाँ अभी पीजीटी में भी आपको काम आएगा लिटरेचर, क्योंकि इस बार लिटरेचर भी रहेगा पीजीटी में। आप पीजीटी के साथ साथ थोड़ा सा एफर्ट को तेज कर दीजिएगा उसी दिसंबर के लास्ट महीने, दिसंबर के लास्ट में यूजीसी नेट भी अपनी एग्जाम लेगी तो आपको पीजीटी वाला सिलेबस से उसमें भी काम आ जाएगा, क्योंकि लिटरेचर दोनों पार्ट को पढ़ना है, इसका लेवल थोड़ा ज्यादा है उसका लेवल थोड़ा कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं खास टॉपिक के साथ, खास सेक्शन के साथ। जो मैंने अभी बताया इससे पहले भी जितने सारे पोएट्स, सभी पोएट्स के इंपोर्टेंट हैं, सारे पोएट्स के बारे में आप गूगल से भी कुछ कुछ पढ़ाई कर सकते हैं और मेरे द्वारा भी आपको क्लासेस इन पे लगाई जाएगी। और बता दें कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे लेके आने वाला हूँ, यूजीसी नेट वालों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज जो है बहुत बेहतरीन सीरीज हम चैप्टर राइटर वाइज लेके आएंगे, क्योंकि क्लासेस तो ओवरऑल अनिका लर्निंग ऐप पर चलेगी तो चला क्लास बेसिक फाउंडेशन चलते रहेगा, लेकिन जो लोग पहले से पढ़ के रखे हुए हैं और जिन्हें दिसंबर में एग्जाम देनी है उनके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्पेशल सीरीज लेके आएंगे ताकि आप लोगों को मजा आ जाए, अच्छे से सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए और इजिली जो है आगे एग्जाम के कवर तैयारी आप कर सके। तो हमारा जो है अभी ऑफर में चल रहा है टीजीटी और पीजीटी का बैच, 6 to 8 का भी बैच चल रहा है, जो लोग को ऑफर का फायदा उठाना है वो अभी उठा ले सकते हैं, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आएगी उसी दिन 10 बजे रात्रि में वो ऑफर समाप्त हो जाएगी। तो ऑफर में आप लाभ उठाएं और मेरा ये मानना है कि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी से तैयारी में जुट जाएं टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 के लिए, आप उनके भरोसे ना रहें, ग्रामर पहले से तैयार रखें,
लिटरेचर आएगी तो उसका वेलकम करें और उसमें फिर लग जाएं, तो इससे आपका समय का बचत होगा। ग्रामर पर फिर टेस्ट सीरीज देने लगेंगे, ग्रामर का मॉक टेस्ट में लग जाएंगे, तो अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनिका लर्निंग ऐप पे। ठीक है, धन्यवाद, शुभरात्रि, हम लोग कल मिलते हैं खास टॉपिक को लेकर, खास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है हमारे पास, वो आपके साथ में लेके कल आऊंगा। शुभरात्रि आप सभी लोगों।